क्या इंडियन टीम में और भी कुछ नया खिलाड़ी की जरूरत है अभी और किसी खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए, तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफायर राउंड में टीम इंडिया ने अपना चौथा मैच खेला अफगानिस्तान के विरुद्ध, जहां पर हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि इस मैच को हम आसानी से जीत लेंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर हमें एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस द्वारा ड्रॉ देखने को मिला टीम इंडिया की तरफ से। तो यहां पर कुछ खिलाड़ी को और भी मौका देना चाहिए या अपने पुराने खिलाड़ी को भी और भी डेवलप करना चाहिए, इसके बारे में हम और भी ज़्यादा बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहूंगा कुछ नया खिलाड़ी को यूज करना चाहिए और कुछ खिलाड़ी ऐसा है जिनको मौका देना नहीं चाहिए, उनको एनफ मौका भी मिल चुका है। तो पहला खिलाड़ी है दोस्तों प्रणय हल्दर। लास्ट मैच पे एकदम बेकार खेल दिखाया उन्होंने। इगोस टीमस जिस तरह से खेल देखना चाहता है टीम इंडिया से, उस तरह का खेल हमें प्रणय हल्दर की तरफ से नहीं देखने को मिला लास्ट मैच पे। साथ साथ दोस्तों प्रीतम कोटाल भी उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाया इस मैच पे। तो इन दोनों खिलाड़ी को अभी सीटबैक करना चाहिए, साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ नया खिलाड़ी को भी मौका अब मिलना चाहिए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नाम लूंगा इसके लिए जो डिफेंस में काम कर सकता है, वह दोस्तों प्रबीर दास एक नंबर कैंडिडेट, उसके बाद सैटोन फर्नांडेज, उसके बाद राकेश प्रधान जैसा खिलाड़ी, उसके बाद प्रतीक चौधरी जैसा खिलाड़ी। इन सभी खिलाड़ियों ने अपने आप को जिस तरह से ग्रूम किया है, आप लोग देख सकते हो कि प्रबीर दास किस तरह से कमबैक किया है। उन्होंने दोस्तों डिफेंसिव साइड में खेलते हुए जिस तरह से दबाव डाला है मिडफील्ड में काम करते हुए, वो बहुत ही अच्छा काबिले तारीफ चीज़ है। साथ साथ दोस्तों सैटोन फर्नांडेज, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रूम होकर आ रहा है। वो तो डिफेंस कर रहा है, साथ साथ दोस्तों मिडफील्ड में भी काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर फारूक चौधरी के जो इम्प्रूव हुआ है, उनको भी अब मौका मिलना चाहिए, अप फ्रंट में ज़्यादा से ज़्यादा गेम टाइम उनको देना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों मौके की, यहाँ पर दोस्तों रिडीम तालंग को भी हम मौका दे सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से फिनिश करके दिखाया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से, वो भी काबिल तारीफ चीज़ था। उनका फिनिश स्किल दोस्तों और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है आगे से, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। मिडफील्ड की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर जेडी को भी मौका मिलना चाहिए। ओडिशा एफसी की तरफ से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है जैकी चैंड को, अभी गेम टाइम देना चाहिए। सोसाइड राज को अभी हम बाहर ही रखते हैं क्योंकि दोस्तों उनको मुझे लग रहा है कि और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एटीके की तरफ से वो अच्छा कर रहा है और मुझे लग रहा है कि उनको और भी मौका मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ खिलाड़ी है यहाँ पर आपको मौका देना चाहिए, उनको बुला लेना चाहिए अब नेशनल कैंप के लिए। लेकिन ओमान के विरुद्ध दोस्तों अब कुछ नहीं हो सकता है, इसी टीम के साथ हमें जाना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाए टीम इंडिया द्वारा और एक जीत भी हासिल कर ले ओमान के विरुद्ध, तो दोस्तों हम लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को लेना चाहिए जिनका नाम मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं इस मैच पर और किस खिलाड़ी ने गंदा परफॉर्मेंस किया। अब लोग सोच रहे होंगे कि मंदाराव देसा ने इस मैच पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आसिक करुनियन ने नहीं किया, उदंत सिंह ने नहीं किया, लेकिन दोस्तों इसके पीछे कारण है। मंदाराव देसाई दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है अपने आप को, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा उनको मौका नहीं मिला। साथ साथ दोस्तों आसिक करुनियन भी उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया क्योंकि दोस्तों उनको अफगानिस्तान के एक खिलाड़ी दबा के रखा था, जैसा कि दोस्तों उदंत सिंह के साथ भी हुआ, उनको भी दोस्तों आने नहीं दे रहा था खेल में अफगानिस्तान के खिलाड़ी। तो इसीलिए हमको इन सभी खिलाड़ी के ऊपर नाराज होना नहीं चाहिए कि दोस्तों सिचुएशन भी हमें अब समझना होगा। साथ साथ दोस्तों छंगटे बाहर था, उनको भी आप यूज कर सकते थे लेकिन क्या नहीं, वो भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा गलती है। साथ साथ दोस्तों अनिरुद्ध थापा, प्रणय हल्दर के जगह अनिरुद्ध थापा को खिलाना चाहिए, मिडफील्ड में अच्छी तरीके से काम करता अनिरुद्ध थापा, लेकिन दोस्तों उनको मौका नहीं दिया गया, तो दोस्तों ये भी एक कॉन्सर्न वाली बात है। और इस मैच में दोस्तों कुछ खिलाड़ी ने अच्छा करके भी दिखाया, जैसा कि दोस्तों ब्रैंडन फर्नांडेज इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया इस मैच पर और मुझे लग रहा है कि इंडिया के लिए अब तो सेट पीस का मास्टर बन गया है ब्रैंडन फर्नांडेज, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से वो काम कर रहा है सेट पीस में, जिस तरह से दोस्तों शॉट लगा रहा है एकदम करेक्ट हो रहा है। तीन गोल जो आया दोस्तों ब्रैंडन फर्नांडेज के ही चलते, उन्होंने तीनों पे ही सेट पीस लिया था, उन्होंने शॉट लगाया था। लास्ट मैच में आदिल खान ने लगाया था हेड, इस मैच में सेमिन लेंडोंगन ने लगाया और दोस्तों जो सुनील छेत्री ने दागा था ओमान के विरुद्ध, सभी सेट पीस में मौजूद था दोस्तों ब्रैंडन फर्नांडेज, बहुत ही काबिल तारीफ खिलाड़ी है और मुझे लग रहा है कि ब्रैंडन फर्नांडेज को अब ज़्यादा से ज़्यादा गेम टाइम देना चाहिए, इनफ हो गया उनके साथ, अब उनको मौका मिलना चाहिए हर मैच पे। साथ साथ दोस्तों
एकदम छोटा सा टाइम में आकर सुपर सब हो गया सिमिलन डोंगल इस मैच पे। क्या जबरदस्त हिट था उनका, और पहला मैच था, डेब्यू मैच था, और उनके लिए व्हाट अ मोमेंट, हमारे लिए भी व्हाट अ मोमेंट, क्योंकि दोस्तों पहले मैच पे ही गोल दाग दिया उन्होंने, एकदम ड्रीम मैच था उनके लिए। हालांकि दोस्तों अप्स एंड डाउन होता ही रहेगा टीम इंडिया के साथ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक जबरदस्त कमबैक हमें देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्या इगोश टीमार्च अच्छा कोच या बुरा कोच है, इसके बारे में आपको और भी डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आज या कल एक और वीडियो आ जाएगा हेड कोच के बारे में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और खिलाड़ी का कमी आज इस मैच पे हमें दिखाई दिया, वह दोस्तों जे लालपेखलुआ। हाँ दोस्तों, उनका जरूरत था इस मैच पे, और मुझे लग रहा है कि वो नेक्स्ट किसी भी मैच पे आप कमबैक कर सकते हैं। मैच के लिए वो शायद अब फिट हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद चेन्नई एफसी में भी वो लौट आएगा। अगर वो लौट आता है मैच में तो दोस्तों इगोश टीमार्च उनको फटक से पिक कर लेगा, और नेक्स्ट जो मैच होने वाला है कतर बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ, उन सभी मैचों में उनको अब मौका मिलने वाला है। मेरा एकदम गट फीलिंग्स कह रहा है कि जे कमबैक कर लेगा टीम इंडिया में। तो आपका क्या राय है इन सभी चीज़ों के बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए फटाफट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा।